क्वेश्चन था फाइंड द फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स ऑफ पीएन, पीएन इज पाथ ग्राफ ऑन एन वर्सेस, ठीक है। सो हमें ग्राफ का आइडिया है कि पीएन क्या चीज है बेसिकली, ठीक है। और जब भी आप जनरल ग्राफ ड्रा करने की ट्राई करेंगे तो इसका ये डॉट्स आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये डॉट मेंशन करने का मतलब है कि ग्राफ हमारा इसी सीक्वेंस में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ठीक हो गया, हमने आप इसका जनरलाइज वे में फाइंड करना है फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स, ठीक है। सिंपल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपका इंडेक्स है आपने उसकी डेफिनेशन देखनी है कि वो डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, ठीक है। डेफिनेशन में ये कह रही है कि आपके पास जितने भी वर्टिसेस हैं आपने उन सब की डिग्री का स्क्वायर लेना है और उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन है, पहली चीज है इंडेक्स की डेफिनेशन। दूसरी चीज हमारे पास ये होगी कि नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ, ठीक है। हमारा जो ग्राफ है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, ये चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली जो आपको प्रीवियस असाइनमेंट थी वो भी इसी चीज से रिलेटेड थी कि आपने डेफिनेशन समझनी थी अपने इंडेक्स की और उसके बाद आपने ग्राफ का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना था कि वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, सिंपल ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितने हैं, वेरी गुड, टोटल वर्टिसेस हमारे पास एन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने टोटल वर्टिसेस जो सम आएगा वो एन हमारे पास जो है वो नंबर होंगे, ठीक है, एन नंबर होंगे। चले जी ग्राफ को देखें, हम बता सकते हैं हमारे पास कितने वर्टिसेस वाले, मतलब सबसे पहले देखें कि डिग्रीज कितनी है, वन डिग्री है या इसके अलावा कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स डिग्री है वन होगी या टू होगी, तो टू डिग्री वाले कितने हैं हमारे पास, ठीक है, टू, ठीक है। हमारे पास दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो वन है, बाकी कितने वर्टिसेस रह गए, टोटल जो है वो एन है, तो बाकी जो हमारे पास है वो एन माइनस टू है, इनकी डिग्री कितनी है, टू, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको अब समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री वन है, बात क्लियर है, वन प्लस वन करेंगे तो मैंने उसको कंबाइन करके टू ही लिख दिया है, बाकी हमारे पास एन माइनस टू जो है उनकी डिग्री कितनी है, टू है। तो आप ऑफकोर्स अगर सेपरेट करके लिखना चाहेंगे तो टू प्लस टू, सॉरी टू का स्केयर, टू का स्केयर, टू का स्केयर, एन माइनस टू टाइम्स आएगा, ठीक है, एन माइनस टू टाइम्स ये चीज आएगी, तो हम उसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू टू, बात क्लियर है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक जनरलाइज वे में हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमारे पास किसी भी लेंथ का जो है वो पाथ होगा एन की वैल्यू ऑफ 5 है, 10 है, 100 है, अब दूसरे के लिए आंसर आपके पास ये चीज आ जाएगा, बात क्लियर है, यस सर। तो इस फॉर्म में हमारे जनरलाइज फॉर्म में आंसर चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, एक मिनट में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो जरा मुझे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक हो गया, बात क्लियर है, ओके। ये हमने काम किया है पाथ के लिए। चलें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एच की फॉर्म का मतलब इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि अगर हम एच की फॉर्म में लगाएं तो चूंकि ज़ैग्रेब इंडेक्स की दो डेफिनेशंस हैं, एक है डिग्री वर्टेक्स की डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी एक वर्टेक्स सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एच सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें हम अगर उसको देखना चाहें तो हम उसको भी देख लेते हैं, इसकी अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन, वो हमारे पास क्या चीज होगी, यू वी बिलोंग टू एच सेट ऑफ पीएन, ठीक, ऑफ कोर्स अब हमारा ग्राफ पीएन है तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी, बात क्लियर है, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना करने की ट्राई करते हैं। पहले हमने वर्टेक्स सेट की पार्टीशन की थी, पहले हमने देखे थे हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, अब क्योंकि हम एजेस की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस पता होने चाहिए हमारे में कितने हैं। जी कोई बताएगा कि पाथ में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, ठीक है, एन माइनस वन एजेस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसकी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने की ट्राई करूं, टोटल हमारे पास एजेस हैं एन माइनस वन, ठीक है, हमारे पास टोटल एजेस हैं, ऊपर जो वर्टेक्स की बात कर रहे थे वो एन थे, तो अब हमने एज सेट की या एजेस की पार्टीशनिंग करनी है। पार्टीशनिंग करने का क्या मतलब होगा, ये ऑलरेडी अगर आपने असाइनमेंट ठीक से की है वहां से आपको आइडिया होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ यू, डिग्री ऑफ वी, ठीक है,
ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये चीज जो ये जो चीज है ये चीज ये मेंशन कर रही है कि हमारे पास हम किस टाइप के एजेस की बात कर रहे हैं। किस टाइप के एजेस का मतलब ये है कि उनकी डिग्री 1, 2, 2, 2 या जो कुछ भी है। अगर हम अपने ग्राफ को देखें पाथ को, तो हमारे पास कितने किस्म के एजेस हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेस हुई है, टू टाइप्स का मतलब है, टाइप्स का मतलब है कि एक साइड की डिग्री 1 है, एक साइड की डिग्री 2 है। अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो हम 1, 2 है, और इसके अलावा दूसरी कौन सी है, 2, 2। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरी टाइप नहीं है, सही हो गया। अगर हम बात करेंगे 1, 2 के हमारे पास कितने एजेस हैं, ठीक है, और 2, 2 के कितने एजेस हैं, n-3, क्योंकि हमारे पास टोटल n-1 एजेस थे। तो जब भी आप इन दो क्वांटिटी को ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, टोटल नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, हमारे पास दो एजेस ऐसे हैं जिनकी एक साइड की डिग्री 1 है प्लस 2 है, ठीक हो गया, और इसके बाद हमारे पास n-3 एजेस ऐसे हैं 2+2 जिनकी डिग्री 2 है, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका ठीक हो गया। तो हमने वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी चीज को फाइंड करना है उसको डिस्कस कर लिया है, एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने कोई फार्मूला डिस्कवर करना है तो हमने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन है किसी का यहां तक, किसी का क्वेश्चन है कोई, यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने बात की थी पाथ की, चल रही है, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ज़ैग्रेब इंडेक्स, ठीक है, ऑफ SN। SN का मतलब हमारे पास स्टार ग्राफ है N वर्सेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपसे मैं बस आंसर मांगूंगा, M1 ऑफ SN क्या आंसर आ रहा है, M2 ऑफ SN क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करें और मुझे आंसर बताएं।
ओके नफीस इधर देखो आप जरा, क्लियर है? टोटल वर्सेस कितने हैं एसएन में? टोटल वर्सेस कितने हैं? पक्की बात है? टोटल वर्सेस एन है। ओके वन डिग्री वाले कितने हैं? ओके ग्राफ को गौर से दोबारा देखें और बताएं वन डिग्री वाले कितने हैं स्टार ग्राफ में। अच्छा बीच वाले वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? वन है, उसकी टू है, अच्छा जरा एस फाइव बनाओ जरा। बन गया एस फाइव। टोटल वर्टेक्स कितने हैं? वेरी गुड। बीच वाले वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? बीच वाले वर्टेक्स की कितनी है? वेरी गुड, ठीक हो गया। और वन डिग्री वाले कितने हैं? वेरी गुड। एस सिक्स बनाओ जरा। बीच वाले वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? अच्छा ठीक हो गया। और वन डिग्री वाले कितने हैं? वेरी गुड, ठीक हो गया। अब जाए एस टेन बनाओ। फॉर्मूला बना को समझ आइए। अब आप मुझे बताइए जनरलाइज वे में, अब आपने बताना मुझे एस एन में बीच वाले वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? अगर मैं एन की बात करूं, ठीक है एस टेन तो आपको समझ आ गया। आप जरा थोड़ा सा नीचे करो जरा यार, ठीक है। फर्ज करें हम टेन की बात की थी, बीच वाले वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी? नाइन, ठीक हो गया। जब हमने सिक्स की बात की थी, बीच वाले वर्टेक्स की डिग्री क्या थी? इसका मतलब एक कम थी। सीक्वेंस समझ आ रहे हैं? मतलब हमने इसी तरह एग्जाम्पल लेके एक सीक्वेंस बनाना होगा, ठीक है। डायरेक्ट आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा, डायरेक्ट ट्राई भी ना कीजिएगा। पहले आप चार लें, पांच लें, छह लें, सात लें, जो सीक्वेंस समझ आ रहा है उसके मुताबिक आपने फिर उसका सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। अगर हम एन वर्टेक्स की बात करेंगे, ग्राफ हमारा यही है, तो बीच वाले वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? समझ आ गया, ठीक हो गया। तो एक वर्टेक्स ऐसा है हमारे पास जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है? एन माइनस वन। ये हमारे पास एक ही वर्टेक्स है, इसके अलावा नहीं है, बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे पास वन वर्टेक्स वाले कितने हैं? वन डिग्री वाले कितने वर्टेक्स हैं? जी जी पक्की बात है, चीज समझ आएगी कैसे एन माइनस वन है, ठीक है। तो चूंकि वन डिग्री है, हम क्या करेंगे यहां पे, वो n माइनस वन टोटल तादाद में है और जो भी डिग्री है उसको हमने स्केल ले लिया है, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको मजीद डिटेल में नहीं जाना, फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका सिंपल फर्स्ट डिग्री इंडेक्स है, ठीक है। वेरी मतलब इजी टास्क, लेकिन आपको एग्जांपल से स्टार्ट करना होगा। एस फोर की एस फाइव के सेवन की एग्जाम्पल बताए, सीक्वेंस देखें कि किस तरह चीजें इंक्रीज कर रही हैं। जनरलाइज वे में डिग्री को लेके जाओ, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स को लेके जाओ, बात क्लियर है? ओके बात करते हैं सेकंड ज़ैग्रिब इंडेक्स की, ठीक है। सेकंड ज़ैग्रिब इंडेक्स में हमने एच को देखना होगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुल, ओके ठीक है। सेकेंड ज़ैग्रिब इंडेक्स का क्या आंसर आया? एन। चलिए जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कैसे आया। सपोज टोटल वर्टिसेस, टोटल एजेस, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल एजेस कितने हैं, कितने हैं टोटल। चूंकि ये ट्री है, चूंकि ये ट्री है तो टोटल एजेस जो है वो हमारे पास एन माइनस वन होंगे, ठीक है। और आई थिंक एक ही टर्म आएगी, टोटल एजेस हमारे पास एन माइनस वन है, ठीक है। और डिग्रीज क्या है इनकी?
एक साइड की डिग्री जो होगी, हर एज में एक साइड की जो डिग्री है वो एन माइनस वन है प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई, और हर एच में सेकंड सेकंड एंड की डिग्री क्या है, वेरी गुड, ठीक हो गया बात क्लियर है। सिर्फ आपने अगेन स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, स्प्रिंग सर ले रहा है, एग्जांपल आपको बनानी है, एग्जांपल बनाया गया है नहीं होगा, ठीक है मैं इसलिए तो बैठे होकर कह रहा हूँ, मुझे जब इस तरह काम करना होता है तो मैं एग्जाम्पल बना के सीक्वेंस ढूंढता हूँ और उस सीक्वेंस को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है इसी का, सेकंड वाला फिर सर क्या नाम है आपका, मोहम्मद मूसा, ठीक है हम बात कर रहे हैं एसएन की, ठीक है किसी और तरीके से किया है, अच्छा चलो ठीक है वो तरीका क्या है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अच्छी बात है अगर हमारे पास एक से ज्यादा वे होते हैं। जी ठीक है, टोटल एच में वहां पर एन माइनस वन है, एक साइड डिग्री भी वन है, दूसरी साइड डिग्री एन माइनस टू, दूसरी साइड डिग्री एन माइनस टू होगी, हो गया तब ओके। अभी तो बताया यार, फिर दोबारा बता दें टोटल टोटल एच कितने हैं, एन माइनस, ठीक हो गया एच में सेकंड साइड में इंडेक्स की डेफिनेशन आती है, ओके एक साइड की डिग्री कितनी है, दूसरी साइड की डिग्री कितनी है, एन माइनस वन और उसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ओके जी जरा इसको फाइंड करिए जल्दी से, जरा के एन इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस, के एन इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस, फाइंड द फार्मूला फॉर फर्स्ट रेगुलर लेंथ एंड सेकंड रेगुलर लेंथ,
से निकले एग्जाम्पल बनाया जल्दी से, आपने वेरीफाई करवाना है। ओके ओके अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं कि के एन में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है। वेट 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 प्लीज, ठीक है जिसे मैं पूछूं उसे ही आंसर करना है। के एन के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? पक्की बात है या सुनी सुनाई बातें हैं? ठीक हो गया। कितने वर्टेक्स हैं टोटल वर्टिसेस? हम कह रहे हैं हमारे पास n है और हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? n माइनस वन, ठीक है। तो n माइनस वन का स्केयर आ जाएगा, सामने देखें, ठीक है। ये हमारे पास होगा फर्स्ट एग्रीमेंट x, समझ आइए या नहीं? आप मुझे आप ही बताएं कि कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं जी? काफी दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? आप जरा चेक करें, एग्जांपल में आया मुझे बताएंगे। अगर किसी ने आंसर करना है तो काइंडली जरा हाथ रेज करके दे दें, उससे ना बोले, ठीक है ना, किसी को आता है। ओके बस ठीक है ठीक है, मैं पूछ लूंगा। दूसरों को सोचने का मौका दिया करें। मैं क्लास का कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो मुझे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से यही कहा जाता था, सब कुछ पूछते थे विद इन सेकंड, जो अच्छे स्टूडेंट थे वो आंसर देते थे, हमें सोचने का मौका नहीं मिलता था। आंसर दिया गया मतलब हम सोचते भी नहीं थे कि बस यही होगा, ठीक है। तो उनको भी थोड़ा सा मौका दें सोचने का। एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए, कितने वर्टिसेस बनाइए? थ्री पे कितने एजेस आए हैं? फोर पे, जरा फाइव पे बनाओ,
ए फाइव में सिंपल 10 एचेस होंगे और ये मैक्सिमम एचेस हैं। ए फाइव में ये 10 एचेस से ज्यादा नहीं हो सकते अगर वो सिंपल है तो, ठीक है। और मैं नोट में जब डिस्कशन करूंगा सिंपल ग्राफ की बात करूंगा तो ए फाइव में 10 से ज्यादा एचेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर इधर देख लें जरा, बोर्ड की तरफ देखें जरा, टोटल एचेस हमारे पास होंगे कंप्लीट ग्राफ में टोटल एचेस इतने होते हैं। अगर n एचेस हैं तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर t एचेस होंगे तो t इंटू टी माइनस वन डिवाइडेड बाय 2, बात क्लियर है। और ये क्लास में मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है के फाइव के अंदर, इनफैक्ट आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था जब हम नंबर ऑफ एचेस की बात कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास इतने एचेस हैं और हर एच की जो एक साइड की डिग्री है वो कितनी है और दूसरी साइड की डिग्री, ठीक है, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन, ठीक है। इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपके पास सेकंड ज़ैग्रिब इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाएगा के एन के लिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, क्वेश्चन है किसी का? ओके ये क्या करना है इसको, हाँ हाँ क्या रिपीट करना है? ये चीज आपके लिए क्लियर है? उधर देखें जरा, इसकी समझ नहीं आई आपको? K5 में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, आई मीन KN में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? ओके K5 की बात कर लेते हैं, K5 में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, ठीक हो गया। अगर हम इसको जनरलाइज वे में लेके जाएंगे तो हर वर्टेक्स n वर्टिसेस हैं तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, अभी अभी n माइनस वन हो जाएगी, मतलब हर एच के दोनों एंड्स की डिग्री क्या है, n माइनस वन। तो हमने n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन किया, असल में ये चीजें आई थिंक पहले मैं डिस्कस की नहीं है क्लास में, तो आपको उसी को क्लास में क्वेश्चनिंग करनी चाहिए थी अगर आप लोग इसी तरह बैठे रहे तो फिर तो काम नहीं होना, क्योंकि ये तो मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा था जो एक्चुअल लेक्चर है एक्सट्रीमल का वो तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। अच्छा एनी वे यहां तक चीजें क्लियर है, क्वेश्चन है किसी का, किसी का स्टिल क्वेश्चन है? नहीं है, चले एक थोड़ा सा ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ को जरा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है। एन वर्टिसेस के ऊपर ग्राफ है, ये जो वर्टिसेस लगी हुए हैं ये, ठीक है, ये तादाद में कितने हैं, ये एन माइनस थ्री, ठीक है, एन माइनस थ्री ये हैं, बाकी एक ये कंसीडर हो जाएगा, एक ये कंसीडर हो जाएगा, एक कंसीडर ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, बात क्लियर है। तो जरा इसका हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ज़ैग्रिब इंडेक्स फाइंड कर देंगे, ठीक है। आपने कंस्ट्रक्शन समझनी है ग्राफ की, ठीक है, ग्राफ की कंस्ट्रक्शन समझनी है बेसिकली। पहले बेसिक ग्राफ से आप थोड़ा डिफरेंट ग्राफ लेके आ रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमने इंडियन इसी तरह ही मूव कर रहे हैं, जनरल ग्राफ आपको दिया हुआ उसकी कंस्ट्रक्शन समझनी है, उसको आपने इंडेक्स फाइंड करना होगा, ठीक है। इसी ग्राफ है फाइंड करने की ट्राई करें M1G,
आंसर आ गया, समझ आइए कुछ। चलिए डाउट को क्लियर करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टोटल वर्ड्स कितनी है। टोटल वर्ड्स एन है, वेरी गुड, ठीक हो गया। वन डिग्री वाले कितनी है? ओके, एन माइनस थ्री किसने आंसर दिए? आपसे नहीं पूछ रहे हैं यार, काइंडली जो आपको एक बार बताया जाए उसको थोड़ा सा फॉलो किया करो, ठीक है? जब आपकी बारी आएगी आप जरूर आंसर दें। जी वापिस आते हैं, पक्की बात है, नजर आ रहे हैं, बस सुन के कह दिए, क्योंकि एग्जाम में उन्होंने नहीं बताना ना, हमने बताने देना। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। वन डिग्री वाले कितने हैं? ठीक हो गया। हम ये कह रहे हैं कि वन डिग्री वाले हमें पता है, हमें काउंट कर लिए हैं, वो है हमारे पास एन माइनस थ्री है, ठीक है, और ये आ जाएगा वन का स्क्वायर। बाकी हमारे पास कितने वर्सेस रह गए हैं? एन माइनस थ्री वर्सेस हमने काउंट कर ली है, उनकी डिग्री काउंट कर ली है, बाकी कितने वर्सेस रह गए हैं? जी सिंपल, ओके, एन माइनस थ्री अगर है तो टोटल तीन रह जाएंगे मेरे आगे। जी ठीक है, ओके, जो हमारे पास वर्टेक्स है ये वाला, इसकी डिग्री कितनी है? दोनों काउंट करें जरा, आसान है। देखें इसके ऊपर कितने से कितने अटैच हैं, इस वर्टेक्स के ऊपर कितने से अटैच हैं, कितने वर्टेक्स अटैच हैं, यहां पे कितने अटैच हैं? ओके, हमारे पास ये वर्टेक्स है, ठीक है, इस तरह से कितने वर्टेक्स अटैच हैं? वेरी गुड, एन माइनस थ्री अटैच हैं, ठीक है, और नीचे से कितने अटैच हो रहे हैं? प्लस टू, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? क्लियर है? तो इस वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास कितनी आ गई? ज़ाग्रेब इंडेक्स के लिए इसका स्केल कर लिया। अब हमारे पास कितने वर्टेक्स रह गए हैं जिनकी डिग्री अभी फाइंड करनी है हमने? दो रह गए, वेरी गुड, उन दोनों वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? वेरी गुड, टू प्लस टू लिख रहे हैं आप अपनी आसानी के लिए, या कोई अगर टू इंटू टू स्केयर लिखना चाहता है तो वो भी ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक हो गया, वो हमारे पास इसका फर्स्ट ज़ाग्रेब इंडेक्स हो जाएगा। ओके जी, ऑफ कोर्स एन नहीं है, वो टू रेज पावर टू है, मेरी थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है। कैसे करना है?
सर ना हो गया। ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास एक और टोपोलॉजिकल इंडेक्स है, उसे कहेंगे ना फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव जैगीर इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव जैगीर इंडेक्स में सिंपल क्या हो रहा है, फर्स्ट जैगीर इंडेक्स में समेशन थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपने तमाम वर्ड्स की डिग्री का स्केल लेना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस इतना है। देखिए उसमें समेशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसे मल्टीप्लिकेटिव जैगीर इंडेक्स का नाम देती है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव जैगीर इंडेक्स ऑन एन वर्टिसेस ग्राफ। ठीक है, ठीक है, हमारे ग्राफ का ऑर्डर एन है, हमने फाइंड करना है वो कौन सा ग्राफ होगा जो हमें मैक्सिमम फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव जैगीर देगा और वो कौन सा होगा जो हमें मिनिमम देगा। बात क्लियर है? ओके, स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। एन इक्वल टू 3 लें, 4 लें, 5 लें और फिर फाइंड करें वो कौन से जो हमारे पास ग्राफ्स हैं और क्या सीक्वेंस है, क्या उनके अंदर प्रॉपर्टी है, क्या हम कर रहे हैं कि उसका जैगीर इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। बात ये है, क्वेश्चन ये है, इंडेक्स समझ आ गया है। आपने ये करना है n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 पे जो पॉसिबल ग्राफ बन रहे हैं वो बनाए, कनेक्टिव के बाद करूंगा ए सिंपल कनेक्टिव वो बनाए, हर एक का मल्टीप्लिकेटिव जैगीर इंडेक्स फाइंड करें, उसके बाद n = 4 लें, n = 5 लें, जितने पॉसिबल ग्राफ बनते हैं वो बनाएं और हर एक का मल्टीप्लिकेटिव जैगीर इंडेक्स फाइंड करें और फिर सीक्वेंस ढूंढें कि कौन सा ग्राफ जो हर बार मिनिमम दे रहा है और हर बार मैक्सिमम दे रहा है। बात ये है, yeah।
दो ग्राफ मिस कर दिए, पॉसिबल है उन दोनों ग्राफ में से कोई मैक्सिमम या मिनिमम दे रहा हो,
बाकी है जब तक आप सारे ग्राफ नहीं बनाएंगे आप मैक्सिमम मिनिमम का काम नहीं कर सकते हैं। वो हो सकते हैं कि तुक्का लग जाए लग जाए, लेकिन आप फिर बता दो आपने दो या तीन ग्राफ मिस किए हैं और उसी के अंदर से ही कोई मैक्सिमम मिनिमम है, तो इसका मतलब आप वो एरिया स्किप कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। तो जितने पॉसिबल ग्राफ बनते हैं सबसे पहले वो बनाए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं। सिंपल ग्राफ में ना पैरेलल एज होता है ना लूप होता है, ठीक है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता तो फिर बड़ा मुश्किल है आपका इस क्लास में बैठना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू थ्री, प्लीज इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह का एक्सट्रीमल फाइंड करना है तो आपने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर कोई टू से स्टार्ट करना चाहे बिल्कुल वो कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि n इक्वल टू थ्री पे हमारे पास कितने ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है। हम बात करेंगे एक सिंपल और कनेक्टेड ग्राफ की सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास जब हम n इक्वल टू थ्री की बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये दो ग्राफ मौजूद है इस वक्त, ठीक है। जब हमारे पास पहले वाले ग्राफ की बात करेंगे, जी जब हम पहले वाले ग्राफ की बात करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव ज़ैग्रेब इंडेक्स जो आएगा वो आएगा 4, बात क्लियर है, ठीक है। जब हम सेकंड वन की बात करेंगे तो हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 2 है, 2 रेज टू पावर 4, और ये 3 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक हो गया। हमारे पास इससे ज्यादा ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करते थे, थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, एन इक्वल टू 4 पे आ जाएंगे। एन इक्वल टू 4 के ऊपर जितने पॉसिबल ग्राफ हैं उसको बनाने की ट्राई करते हैं। सपोज आप यहां से स्टार्ट कर देते हैं, आप हमेशा पहला ग्राफ ये कंसीडर करते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने एक ग्राफ ये बना लिया, कोशिश करें किसी सीक्वेंस में ग्राफ बनाने की ट्राई करें। सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ये ग्राफ बनाया, अब आप क्या करें जिस तरह कि मैं लास्ट में बताया था, ठीक है, इस वाले वर्टेक्स को उठा के किसी भी वर्टेक्स के साथ अटैच करें कि सेम ग्राफ ना बने। लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था आइसोमॉर्फिक ग्राफ को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ किस तरह के हैं, कौन से हैं। सपोज इसकी मैं एग्जांपल आपको अभी दूंगा कि कुछ लोगों ने एन इक्वल टू 4 पे भी 6 ग्राफ बनाए हुए हैं और उनको डिफरेंट कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं थे। Like, मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, इस ग्राफ के ऊपर आप कुछ स्टूडेंट ने ये ग्राफ बनाया हुआ है कि ये डिफरेंट है, कुछ स्टूडेंट ने क्या किए हुए ये ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ग्राफ है एंड सो ऑन, इस तरह के काफी ग्राफ हैं जो आइसोमॉर्फिक हैं, इन सबको कंसीडर करने की हमें जरूरत नहीं है। अब आइसोमॉर्फिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब की वैल्यू सेम आएगी जब भी हम फाइंड करेंगे। ग्राफ थ्योरी इज नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर, ग्राफ का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों ग्राफ, ये चारों ग्राफ सेम है तो इन चारों में से हम कोई एक पिक कर लेते हैं अपनी मर्जी का, बात क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, हमने इसको P4 को कंसीडर कर लिया, P4 पे बात कर रहे हैं। अब आप इसको उठा के अगर हम दरमियान वाले पे लगा देंगे तो हमारे पे एक नया ग्राफ आ जाएगा, मिडिल वाला मतलब ये है, ठीक है, ये एक नया ग्राफ आया, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है पीछे वाले से। और इसके अलावा क्या पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, मुझे पता चल गया है कि जो हमारे पास मतलब मिनिमम एजेस के साथ यही ग्राफ थे क्योंकि ये ट्री है, ट्री के बाद मिनिमम एजेस। अब हम आ जाते हैं साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो साइकिल में हम नया ग्राफ जो ड्रा करते हैं अनदर, वो हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ठीक हो गया। इसी अब ये ग्राफ जो है वो मिनिमम एजेस के साथ है विद साइकिल। अब इसी के अंदर हम एक एक करके एजेस एड करते जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम एक और ग्राफ बनाते हैं, आई थिंक इसके अलावा कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है, जी पूनम, वेरी गुड, ठीक है। ये चीज, ठीक है, और ये ग्राफ हम अगर मिस करते तो हो सकता है हमारा रिजल्ट किसी पॉइंट पे जाके इश्यू करता। फिर मैं एक्चुअली बार बार कह रहा हूं कि आपने जब वर्किंग करनी है आपने तमाम पॉसिबल ग्राफ ड्रा करने की ट्राई करनी है, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है, अच्छा। अगर हम चलें इस पे, इसे पहले वाले पे देख लें थोड़ा सा, अगर हम जाएं तो अगर हम देखें एन इक्वल टू थ्री में ये हमें दे रहा है मिनिमम, बात क्लियर है, और ये हमें दे रहा है मैक्सिमम। अब हम बात कर लेते हैं n इक्वल टू 4 में, जब हम इसका फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक हो गया।
इन सब का जब आप फाइंड करेंगे जो मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं इन सबका आंसर 16 आएगा। आइसोमॉर्फिक है इसलिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। किधर हो? ओके अब ये हमारे एक नया किस्म का ग्राफ आया, इसका फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो है इसमें सेंटर वाला है, ठीक है, 3 का स्केल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उम्मीद है ये 16 कैसे आया, 9 कैसे आया, ये अब आपको पता चल गया होगा, ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, इसके अंदर चार वर्टिसेस हैं, चारों की डिग्री जो है वो 222 है, तो आई थिंक ये हमारे पास क्या बन रहा है, 256 कैसे आया, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड अगेन 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ बताएगा, 1296, वेरी गुड। इसका आंसर हमारे पास कितना आया, 6561। और इसका आंसर हम फाइंड करें शायद किसने, ओके इसका आंसर आया 124। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप था। यहां से चूंकि ग्राफ थोड़े से बड़े हैं तो आपको यहां से आइडिया होगा कि ठीक है यार अब चेक करते हैं मैक्सिमम कौन सा दे रहा है और मिनिमम कौन सा दे रहा है, और फिर हम इसको N3 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो 16 है हमारे पास आंसर, 9 आंसर है हमारे पास, 256 है। मिनिमम की बात करें तो इस वक्त हमें ये मिनिमम नजर आ रहा है, बात क्लियर है। देखें पीछे वाले में जो ग्राफ था स्टार, अगर आप उसी को एक्सटेंड करेंगे पाथ पे तो वो आंसर ठीक नहीं है, बात क्लियर है। उस स्टूडेंट ने ऐसे भी किया था कि ठीक है उसको पाथ कंसीडर कर लिया था। ये अगर मैं लिखूं कोशिश करूं, ये जो है ये P3 भी है और S3 भी है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। काइंडली आपको जो वर्किंग दी गई है कही गई है कि स्टार्टिंग से N=3, 4, 5 के लिए आपने काम करना है। ठीक है, मिनिमम का हमें पता चल गया, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की। तो अगर आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैक्सिमम जो है वो हमारे पास ये चीज है, ठीक होगा। दिस इज नॉट इनफ क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है अभी, ये मान लें कि भी आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आपने N=5 मतलब कम अज कम 4 आइट्रेशन करनी है, कम से कम 4 आइट्रेशन करनी है। हाँ अगर आपको यहां से आइडिया हो जाता है कि ठीक है यार जितने ज्यादा एजेस होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास इंडेक्स आएगा, ठीक है, यहां से आप जैसे जैसे एजेस बढ़ा रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा। सपोज यहां पे जो पहले दो हमारे पास ग्राफ थे, अगर इसकी मैं बात करूं, ये हमारा पहला ग्राफ था, इसके अंदर 3 एजेस हैं, इसके अंदर भी 3 एजेस हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने ग्राफ बढ़ाया तो हमारा इंडेक्स जो है वो बढ़ गया, हमने और ग्राफ बढ़ाया सॉरी एजेस बढ़ाए हमारा इंडेक्स और बढ़ गया है। कंप्लीट ग्राफ के अंदर मैक्सिमम एजेस होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम एजेस है इसलिए इसका इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम आया है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशन लाजमी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। 7 है, इसके अंदर भी 4 है लेकिन ये हमें मैक्सिमम नहीं दे रहा है, जो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं दे रहा उनको आप फिलहाल कंसिडर ना करें, यहां तक बात क्लियर है, ठीक हो गया। N=5 के लिए काम करते हैं जरा, ओके N=5 के लिए जितने पॉसिबल ग्राफ हैं उनको ड्रा करने की ट्राई करते हैं। आप स्टार्ट यहां से करते हैं, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये सेम होगा, ठीक है, मैं ये बता रहा कि सेम हो गया, अगर आपको इतना पता चल रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं।
एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा भी ग्राफ बनेंगे, मैं मजीद की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन जब आप वर्किंग करेंगे तो आप कहेंगे सारे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने काम कर लिया। इसके बाद हम अगेन इसका इंडेक्स फाइंड करने की ट्राई करेंगे। जब हम इसका इंडेक्स फाइंड करेंगे, क्या आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। ओके, फिलहाल मैं आपकी जो भी आंसर है उस पर रिलाई कर रहा हूं। ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है, थीके? अभी जो मैंने ग्राफ दोनों डिस्कस किए, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हो। ओके, और आई थिंक ये भी सेम है, इसको तो आप निकाल ही दो, ये सेम है, पीछे वालों की तरह ही था ये भी, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप काम करेंगे तो आपको एग्जैक्टली रियलाइज नहीं होगा कि ये आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। मुझे भी नहीं पता चला, मैंने बना दिया था, इसका कोई लेना देना नहीं वैसे हमारे काम से, ठीक है। लेकिन जितने नॉन आइसोमॉर्फिक लेंगे आपका काम उतना आसान होगा, उतनी आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार है, स्टार की हम बात करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 16, ठीक है, 570। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1160, ठीक हो गया। साइकिल है, साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, 11। अच्छा, जो प्रीवियस वन है इसका हमारे पास आया 11664, ठीक है, इसको हम काट देते हैं। इसका आंसर कितना है हमारे पास साइकिल का, 10 24। इसका कितना आंसर है हमारे पास, 1048576। ओके, ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम इसका देखें, इसका आंसर क्या है हमारे पास लास्ट वन का, ओके, इसका भी आंसर हमारे पास चलने कुछ आ गया सपोज, ठीक है, इसका आंसर भी हमारे पास कुछ आ गया। अब हमने अगेन वही काम करना है कि मिनिमम कितने पे मिल रहा है चेक करें, ठीक हो गया, और मैक्सिमम है कितने पे मिल रहे हैं। चलें, हमने थोड़ा सा काम किया है इक्वल टू 3 4 5 6 के लिए, और हमें यहाँ पे सीक्वेंस बनाना है, यहाँ पे बात क्लियर है। अब हमने देख लिया कि यार हम एन कुछ भी लें, स्टार हमेशा हमें मिनिमम देगा, इसी तरह एन कुछ भी लें, कंप्लीट ग्राफ जो है वो हमें मिनिमम देगा। अभी तक हमने अभी स्टेटमेंट बनाई नहीं है, अभी हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा इसको लिखने की ट्राई करें, वो क्या चीज होगी, जी ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, क्वेश्चन है किसी का। अभी हमने फाइंड किया स्टार सबसे कम देगा, कंप्लीट ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा देगा, बाकी जितने भी ग्राफ होंगे उनकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बीच में आएगी, कहीं पे दरमियान में आएगी। चले, इसके बाद मैं आपको कहा था कि इनकी जनरलाइज फॉर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म अगर हम फाइंड करने की ट्राई करें तो एस एन जो है, ठीक है, एस एन की जनरलाइज फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, जी एन माइनस वन का स्केयर। उसकी रीजन क्या है, स्टार ग्राफ का जब हम मल्टीप्लाई, स्टार ग्राफ का जब हम मल्टीप्लिकेटिव एग्जीक्यूटिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो एन माइनस वन वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री वन है, वन को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें किसी भी नंबर से उसने सेम रहना है। तो बेसिकली जो अंदर वाला वर्टेक्स है सिर्फ उसी की डिग्री आ रही है, बाकी उसके साथ 1 1 1 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह की, वन डिग्री वाले कितने हमारे पास, एन माइनस वन। याद रखना जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो पावर में जाते हैं, लाइक 2 × 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 raised to power 4, ठीक है, 2 × 2 को 2 raised to power 4 लिखते हैं, 2 + 2 को हम लिखते हैं 2 × 2,
बात क्लियर है? ठीक है, तो जब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम पावर में जा रहे हैं, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है n माइनस वन स्केयर, यहां पे आप स्केयर डाल सकते हैं, और ये हमारे आंसर क्या है, के एन का मल्टीप्लीकेटिव जैगरी इंडेक्स अब हम फाइंड करने की ट्राई करेंगे, हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, n माइनस वन का स्केयर, ठीक है, और कितने वर्टिसेस हैं टोटल, टोटल n वर्टिसेस हैं, तो याद रखना है n सात नहीं आएगा, जब समेशन होती है तो सात आता है, टाइम्स आता है, ठीक है, लेकिन हम जो हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव की, तो ये ऊपर पावर में आ जाएगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन हमारा था फाइंड द एक्सट्रीमल ग्राफ विद मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट मल्टीप्लीकेटिव जैगरी इंडेक्स, अभी तक हमें स्टेटमेंट दी है कि हाँ यार जो स्टार ग्राफ होगा वो हमें मिनिमम मल्टीप्लीकेटिव जैगरी इंडेक्स देगा, और जो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होगा वो हमें मैक्सिमम देगा, बात क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का यहां तक? ये हमारी अभी तक स्टेटमेंट है, ठीक है, हमने इसको प्रूफ नहीं किया, और काम आपका तब वैलिड माना जाता है जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं आप उसको लॉजिकल रीजनिंग के साथ प्रूफ करें, लॉजिकल रीजनिंग के साथ, फिर उतना पहले दलाइल के साथ, सॉलिड सबूतों के साथ आप उसको प्रूफ करें, ठीक है, हमने इसको प्रूफ करना है, ये हमारा पहला स्टेप स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट बन गई, अब हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स में आई थिंक कहीं और भी होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स में एक ही चीज को प्रूव करने के बेशुमार मेथड होते हैं, ठीक है, तो हम एक मिनट डिस्कस करेंगे, अगर आप किसी और तरीके से रिसर्च बेस्ड लेक्चर टॉपिक सब्जेक्ट तो आप अपने किसी और से में भी प्रूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बात क्लियर है? थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, 150 है, 2:10 पे हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है, 2:10 के ऊपर इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट करेंगे, हाँ छुट्टी कर दो फिर यही हो सकता है, 2:10 पे लेक्चर स्टार्ट कर देना, मैंने आगे आगे नहीं करती है, मतलब क्या रीजन, औरत नहीं है ऑफिस में, कौन कौन है, अच्छा फिर ये काम करो आप उनको बैठा के जरा इधर आना, मैंने तो ब्रेक करनी है रूम में तो कुछ सामान पड़ा, ठीक है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओके मैं अभी ट्रेंड्स लगेगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे लास्ट में नहीं है, ये सेम रेडियस है लास्ट में नहीं है,
इस तरह के बहुत सारे ग्राफ होंगे, सपोज 5 वर्सेस पे या 10 वर्सेस पे, इस तरह के बहुत सारे ग्राफ होंगे जिनका रेडियस 3 होगा, वो सारे होंगे जिनका रेडियस 4 होगा, सबसे डिफरेंट होगा जी सर। वो इशू तो शायद पता नहीं सॉल्व होगा ना, लेकिन आपका बस चले गया इशू तो बहुत बड़ा है, अगर वो सॉल्व हो भी गया तो क्या करो, सिचुएशन आपका सामने तो बिल्कुल काम नहीं जाएगा, थोड़ा नहीं है बहुत बड़ा इशू आपका नज़र देखा पेपर आपको पता ही है अपनी जैसे देखी है तो बड़ा सी बात है
ओके स्टार्ट करते हैं। अभी हमने स्टेटमेंट दे दी, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। प्रूव करने की टेक्निक आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा कि हम मल्टी टारगेट स्टेटमेंट के ऊपर तो क्या और कैसे चेंजिंग आती है, ठीक है। प्रूव करने की टेक्निक कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करना होगा कि जब हम एग्जाम्पल बना रहे थे तो जो सबसे कम आया था ये क्या रीजन थी, क्यों कम आया था, जो सबसे ज्यादा आया था क्या रीजन है, उसका सबसे कम आया है कि रीजन और कितना चीजें जो है वो चेंज हो रही थी। अगर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो हम देखें, हमारे पास एक हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है,
जिस तरह आप कह रहे थे कि हम ये ग्राफ ले रहे हैं, और मैंने कहा था कि इसको उठा के आप बीच वाले किसी वर्टेक्स में लगाएं, लाइक आप यहां पे लगा सकते हैं, बाकी में भी किसी के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर इसी को उठा के अंदर किसी में लगाया, ठीक है। अब जब इसको उठा के आप किसी और के साथ लगाना चाहें तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि आप किसी न्यू के साथ लगाएं, या फिर अगेन आप इसी के साथ ही उसको जो है वो इंसिडेंट इंसिडेंट कर दें, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपको देखनी होंगी जब आप वर्किंग कर रहे होंगे कि क्या रीजंस हैं कि हमारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो स्मॉल वो डिक्रीज होती जा रही है या इंक्रीज होती जा रही है। अभी जो हमने ऑब्जर्व किया था वो चीज ये थी कि नंबर ऑफ एजेस जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे, फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव एग्जीक्यूटिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा था, और डेफिनेटली जब हम डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ एजेस तो जो मल्टीप्लिकेटिव एग्जीक्यूटिव इंडेक्स है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज करेगा, तो इसके लिए हम एक सबसे पहले इसी चीज को हम यूज करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया था जितने ज्यादा एजेस होंगे मल्टीप्लिकेटिव एग्जीक्यूटिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, जितने कम होंगे उतना कम होगा। इसको लिखने की ट्राई करते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हमारी कैसे लिखी जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि जी हमारे पास कोई भी ग्राफ था, ठीक है, उसके अंदर दो वर्टिसेस थे यू और वी। जी हमारे पास कोई भी ग्राफ था उसके अंदर यू और वी कोई भी दो वर्टिसेस थे, सच दैट यू वी डज नॉट बिलोंग टू एच सेट ऑफ जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यू वी के दरमियान एच मौजूद नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब है ये है। जी ये बात क्लियर है? ओके, स्टेटमेंट मैं दोबारा रीड कर देता हूं। हम ये कह रहे हैं कि पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि जी इज अ ग्राफ एंड यू वी बिलोंग टू वर्टिसेस ऑफ जी सच दैट यू वी इज नॉट एन एच। फिर हम कहते हैं देन मल्टीप्लीकेटिव एग्जीक्यूटिव इंडेक्स ऑफ जी इज लेस देन मल्टीप्लीकेटिव एग्जीक्यूटिव इंडेक्स ऑफ जी प्लस यू वी। ये चीज हमने ऑब्जर्व की थी, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने अभी हमने ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने अभी ऑब्जर्व की थी कि जैसे जैसे जो एच नहीं है दो वर्टिसेस के दरमियान हम एच बढ़ाते जाएंगे तो मल्टीप्लिकेटिव एग्जीक्यूटिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको कि जैसे जैसे एजेस की तादाद बढ़ाते जाएंगे हमारे पास इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी चीज को मैं अगर एक्सप्लेन करने की फर्दर ट्राई करूं तो हमारे पास ये लीस्ट एजेस हैं, ठीक हो गया। यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं यू वी, ये हैं यू और वी के दरमियान एच मौजूद है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक नया ग्राफ बनाता हूं, याद रखना नंबर ऑफ वर्टिसेस फिक्स हैं क्योंकि वर्टिसेस को मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। एजेस को आप कर सकते हो, आप देख सकते हैं यू और वी एक नया ग्राफ बन गया। जो पहला ग्राफ बना था जी और जो अब ग्राफ बना है जी प्लस यू वी, जी प्लस यू वी का इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा। ये काम आप एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं, आप इनका फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको लॉजिकली प्रूफ भी करना होगा। एग्जाम्पल के लिए प्रूफ नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए प्रूफ का मतलब ये है कि आप पहले वाले को फाइंड कर लेते हो, सपोज वो ए आ जाता है दूसरे को फाइंड करते हो बी आ जाता है, एग्जैक्टली और भी कोई नंबर होंगे तो आप कह दोगे कि ये प्रूफ हो गया, दिस इज नॉट अ प्रूफ, ये एग्जाम्पल है, यहां तक ठीक है। हम इसको लॉजिकली प्रूफ करने की ट्राई करेंगे। अच्छा, प्रूफ के अंदर लेमा आ गया, अगेन लेमा को प्रूफ करेंगे, ठीक है। करना क्या होगा, सिंपल, हमें इन दोनों ग्राफ के इंडिसेस को कंपेयर करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा, इन दोनों ग्राफ के इंडिसेस को हमने कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे कर लेते हैं, सपोज
दो इसके करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं बात करता हूँ मल्टीप्लीकेटिव की। दो तरीके हैं, क्या हो सकता है दोनों तरीके का, पाई वन ऑफ जी अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि ये जो चीज है ये लेस देन वन है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इंटर लेवल की बात है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि इन दोनों का इंडेक्स जो है वो लेस देन वन है तो हमारा काम हो जाएगा। बात क्लियर है? क्वेश्चन नहीं, या हम ये प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूव कर लो अपनी मर्जी की, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो मेन थीम वो ये है कि हम ये शो कराना चाह रहे हैं कि पाई वन टू जी प्लस यू बी जो है वो बड़ा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का यहां तक? मैं जो है वो फर्स्ट वन की तरफ जाऊंगा। हमारे पास इस वक्त जी और जी प्लस यू में, जी और जी प्लस यू में एन वर्सेस है, नंबर ऑफ वर्सेस दोनों में सेम है, बात क्लियर है। और जो हमारे पास मल्टीप्लेक्स इंडेक्स है वो भी वर्टेक्स सेट के ऊपर ही है, ठीक है, वो भी वर्टेक्स सेट के ऊपर ही है। जी आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ग्राफ आपके सामने मौजूद हैं, ए और बी जो जो ग्राफ बने हुए हैं, इन में जब हमने एच ऐड किया था तो कितने वर्सेस की डिग्री चेंज हुई थी, ठीक है, आपके सामने है ये जो हमारे पास दो वर्सेस, सपोज इसको मैंने जी और जी प्लस यू भी कहा, तो पहले वाले जो एच ऐड करने से सिर्फ दो वर्सेस की डिग्री चेंज हुई है, और वो कौन कौन से वर्सेस हैं, वो यू एंड वी है, बाकी तमाम वर्सेस की डिग्री एज इट इज रही है, ऐसे ही है। सपोज हमारा एक वर्टेक्स यहां पे था एक्स, इसको मैं एक्स का नाम ले देता हूं, एक्स की डिग्री जी में और एक्स की डिग्री जी प्लस यू में सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, जिनकी डिग्री सेम है वो क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ एक्स ऊपर भी आएगा और डिग्री ऑफ एक्स नीचे भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी, चाहे इसके अंदर आप 100-200 जितने भी वर्सेस हैं, लेकिन सिर्फ जिनकी डिग्री चेंज हो रही है वो कंसिडर किए जाएंगे, बाकी जो है वो कैंसिल हो जाए। यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का? नहीं, तो मेन चीज और इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिनकी डिग्री चेंज हो रही है हमें सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है, बाकी को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो, और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रूव करना चाहें वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो कैसे ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूं थोड़ी सी आसानी के लिए, अगर मैं ना भी करूं तो इस रिजल्ट को देख के आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि दिस इज लेस देन वन, ठीक है, क्यों, अगर मैं आपसे पूछूं सपोज x हमारे पास एक नंबर है और x प्लस वन एक नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है, मजीद पर्टिकुलर हो गए, ऊपर 10 है नीचे हम कहते हैं 10 प्लस 1, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, तो यहां पे भी वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दिस इज वन अगर आपको क्लियर है तो, ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, U plus 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 1, ठीक है, और दिस इज लेस देन 1, बात क्लियर है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन एक सीखा,
जी दी है, ठीक है। सिंपल क्या करना चाह रहे हैं जी आप, ये कह रहे हैं ऐसे ही है ना, चलो ठीक हो गया। स्टेटमेंट को जरा एक बार पढ़ लें और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, ठीक है। काइंडली प्रूफ आपको समझ आ गया, प्रूफ कुछ भी ना सिंपल था, स्टेटमेंट को पढ़ लें, स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसी पे और यहां से भी मैंने इस क्वेश्चन चले, मैं चलते चलते एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे लिखा हुआ है कि हम मेथड वन भी यूज कर सकते हैं, मेथड टू भी, नहीं लेस देन वन या फिर लेस देन जीरो, ठीक है। जब हम लेस देन जीरो की बात करेंगे तो क्या होगा उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वो भी सिंपल होगी, जो कॉमन चीजें होंगे जिनकी डिग्री चेंज नहीं हो रही होगी वो एज इट इज कॉमन आ जाएगा, लाइक dx जो है वो g में भी होगा, g प्लस यू में भी होगा, वो कॉमन आ जाएगा। अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा डी जी मल्टीप्लाई बाई डी वी यू और v की डिग्री माइनस डिग्री ऑफ यू प्लस वन और इंटू डिग्री ऑफ वी प्लस वन, ठीक है। तो वहां से भी आप सिंपली आप फाइंड करके कह सकते हैं कि लेस देन जीरो आ रहा है, थोड़ी सी वर्किंग लास्ट भी कीजिएगा, ठीक है। ये जो भी मेरा टेक्निक का ही है, ये मल्टीप्लीकेटिव के लिए तो वैलिड है, ये लेस देन वन वाली, लेकिन हम समेशन की बात करेंगे, समेशन में जीरो टेक्निक ज्यादा चलता है, समेशन में नेगेटिव जो भी माइनस है या लेस देन जीरो वाली टेक्निक ज्यादा चलता है, ठीक है। तो इसकी ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, स्टेटमेंट क्लियर है ये वाली जो भी मैं राइट की है, लेवल में क्लियर है कि ठीक है यार जो कंप्लीट ग्राफ है वो हमें मैक्सिमम देगा और मिनिमम क्या है मोस्ट देगा, फिर आ जाएगा हम यूज किए मिनिमम मोस्ट देगा हमें ट्री, ट्री ठीक है, लेकिन कौन सा ट्री देगा ये अभी हमने डिसाइड करना है, क्योंकि बेंचमार्क ट्री है हर ट्री हमें मिनिमम नहीं दे रहा है, ओके। ये बात क्लियर है, टी का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए यहां पे हमने इसको टी की जगह क्या प्रूव करना है, एस एस हमने इसको स्पार्क प्रूव करना है, यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो हमने यह प्रूव करना है कि ठीक है कि ट्रीज जो है ट्रीज तो बेशुमार है, लेकिन ट्रीज में जो सबसे कम है सबसे छोटा है वो लेकिन उसका पेपर तो नहीं आता, इसके अलावा बेशमार ट्री ऐसे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम हमारा जो नेम है वो सिंपल इतने बड़े ग्राफ को सेट करने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ ट्रीज पे आते हैं। ट्रीज क्या होते हैं,
क्या हो जाएंगे? यार इतनी बेसिक तो आपको बिल्कुल पता नहीं चाहिए यार, इसको ग्राफ अभी उतार देंगे यकीन करो। अगर आपको ट्री की डेफिनेशन पता, अगर आपको सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन नहीं पता, तो ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। चलें 10 मिनट में एक छोटा सा काम करते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा जल्दी जल्दी मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज़ी मतलब यह है कि आपने एक चीज को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया दूसरी चीज, ठीक हो गया? तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, वहां पे ग्राफ होगा, उसके ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई करके उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे ग्राफ में, ठीक है? हमारे केस में हम बात करना चाह रहे हैं ट्री से हम किसी भी ग्राफ को स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? हम किसी भी ग्राफ को, हमें कोई हमें कोई भी ट्री बनाओ, उस ट्री को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्टार में, ठीक है? तो इसके लिए हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है? वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की होगी अभी देखते हैं। जी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? वहां पर एक ग्राफ G1 है, G1 को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है G2 में। सिंपल क्या किया है कि V के साथ जितने भी वर्टिसेस थे, V के साथ ऊपर जितने भी वर्टिसेस थे, पैनल वर्टिसेस में बात करूंगा, हमारे पास पैनल वर्टिसेस है, ठीक है? V के साथ जितने भी पैनल वर्टिसेस थे उनको उठा दिया है U के लिए। बात यह है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब हम बात करेंगे डिग्री बेस इंडेक्स की, तो पाएंगे आपने ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रीज कैसे चेंज हुई है, ये आपने नोट कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे बात की थी जी से जी प्लस यू में मेरे यू और मेरी डिग्री एक इंक्रीज हुई, ठीक है? अभी हम जरा डिग्री को कंपेयर करते हैं पहले कि जी में क्या डिग्री है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वी में क्या डिग्री है। सपोज जी वन में
अगर मैं जी वन की बात करूं तो जी वन में यू की डिग्री क्या है इस वक्त हमारे पास, सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑफकोर्स वन नहीं कह सकते, जब ये ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है जनरल ग्राफ बनाया हुआ है, जनरल ग्राफ में मैंने सिर्फ आपको यू के राइट साइड पे क्या हो रहा है वो बताया है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, इसे कहते हैं जनरल चीज है, लेफ्ट साइड पे जो भी हो रहा है उससे हमारे कंसर्न नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त जी वन में यू की डिग्री जो है वो ए है, ठीक है, यू की डिग्री जो है वो ए है। और अगर हम बात करेंगे इसी तरह जी टू में जो यू की डिग्री है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, वी वन वी टू वी थ्री जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम टी को कहते हैं वो फाइव है तो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव हो जाएगा, अगर हम टी को कहते हैं कि नहीं है वो दो है या टू है टी तो वी वन और वी टू हो जाएगा, टी इज अ नंबर बात की जाए तो जी टू में डिग्री है वो क्या हो जाएगी ए प्लस टी। ओके इट्स जस्ट सम नोटेशन, लेफ्ट साइड पे जी के साथ यू के साथ क्या हो रहा है हमें नहीं आइडिया, नहीं आइडिया का मतलब है हो सकता है यहाँ पे 100 एजेस लगे हो सकता है यहाँ पे 2 एजेस लगे हो सकता है यहाँ 50 लगे हो हमें नहीं पता, तो हमने कोई नोटेशन ले ली सिंपल ए, ठीक है, किसी को ए नहीं पता, बी सी डी ई एफ कुछ भी ले सकते हैं, यहां तक क्लियर है। आपने चीजों को इस तरह लेके चलना है जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जब दो वर्टिसेस दो ग्राफ को आप कंपेयर कर रहे हैं, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा टी के ऊपर थोड़ी सी कंडीशन दे देते हैं कि T is greater or equal to 1 के कम से कम एक तो होगा। अच्छा जी और कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री चेंज हो रही है, ठीक है, U के बाद हमारे पास V की डिग्री चेंज हो रही थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे G1 में तो G1 में जो V की डिग्री थी वो कितनी थी, ठीक है, अगर आपने ग्राफ देखा हो अगर किसी को भी बना हो तो एक तो V के साथ U अटैच था और U के अलावा तो इस तरह G1 के अंदर जो डिग्री बन रही है वो हमारे पास V की जो डिग्री वो बन रही है T प्लस 1। ओके और अगर हम बात करेंगे G2 में, ठीक है, तो G2 में V की डिग्री कितनी रह जाएगी 1, ठीक है। हमने क्या किया था कि G2 में B से तमाम वर्टिसेस उठा लिए थे, तमाम मतलब जो भी पैरेलल वर्टिसेस थे, ठीक है, बी वन बी टू आपको बी टू उठा लिए थे, उठा के उसको पहले वन लगा दिया था, तो अब जो है जी टू में बी जो है वो सिंपल यू के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है, जी टू में बी जो है वो सिंपल यू के साथ कनेक्ट रहेगा, सिंपल यू के साथ कनेक्ट रहेगा, तो इसकी डिग्री वापस क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जब कंपैरिजन करना है तो हमने सिंपल इन दोनों डिग्रीज को कंपेयर किए करना है जैसे हमने प्रीवियस लेमा में किया था, बात यह है क्वेश्चन थी नहीं। ओके इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, अभी लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, जी वन जो है उसको मैंने नॉमिनेटर में रख लिया है और जो जी टू है, ठीक है, उसको मैंने डिनोमिनेटर में रख लिया है। अगर खैर लाइट नहीं है, आप में से कोई उठ के जरा अगर ब्लाइंड्स ऊपर कर देगा तो शायद थोड़ी सी रोशनी आ जाए, आप पीछे वाले भी कर दें और अगर आप कॉपीज पे करना स्टार्ट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन इतनी रोशनी तो आ गई है कि आप कुछ ना कुछ कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसा प्रीवियस लेमा में किया था उसी तरह जरा ट्राई करें, नॉमिनेटर में पाई वन ऑफ जी वन को रख लें, डिनोमिनेटर में पाई वन ऑफ जी टू को रखें और बताएं आंसर क्या बन रहा है।
तो आप जरा देख के बताइएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि G2 में U के साथ कितने वर्टिसेस अटैच हैं, कितने एक्स्ट्रा वर्टिसेस अटैच हुए हैं G2 में, U के साथ कितने एक्स्ट्रा वर्टिसेस अटैच हुए हैं? जी उसको छोड़ दो, फिलहाल ग्रेटर देन को छोड़ दो, कितने वर्टिसेस अटैच हुए? एक मिनट जरा ओके ठीक है, ये आपके सामने सिंपल सी कैलकुलेशन है बेसिक लेवल की, बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, डोमिनेंट में जो चीज आ रही है वो बड़ी है और डोमिनेंट में जो चीज है वो छोटी है, ठीक है, ओके इसी बात है, तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन हमारा होना चाहिए। नहीं, आप जरा दोबारा चीज को देखिएगा जरा, मैं अभी आपके सामने, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है, ओके, ये भी चीज भी क्लियर है, यू की डिग्री जी वन में ए है, ए कंसीडर की हुई है,
ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये चीज क्लियर है, ये भी क्लियर है, नहीं जो मैं बताई चीजें क्लियर है। आप ये कह रहे हैं कि ये कैसे आया है, ये जो चीज है, हाँ आप जो इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, ये कहीं नीचे है, ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ओके। वी के साथ कितने वर्टिसेस अटैच हैं, राइट साइड पे देख लें, वी के साथ राइट साइड पे देखें कितने वर्टिसेस अटैच हैं, वी के साथ ओके, काउंट करने की ट्राई करते हैं, वन, कितने वर्टिसेस हैं, टी ए हो गए हैं, और लेफ्ट साइड पे कितने वर्टिसेस अटैच हैं, बोले भी तो कुछ पता तो चले हैं, कितने वर्टिसेस हैं, ठीक हो गया, अब क्लियर आपको या नहीं, बस मुझे आपको क्वेश्चन है, बता क्लियर नहीं, एनीवे क्वेश्चन है किसी और का, ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, हफ्ते बाद आके ये नहीं कीजिएगा सर रिपीट कर दें, क्योंकि मैं तकरीबन 2.5 घंटे लगाए हैं, 2.5 घंटे में दोबारा नहीं लगा सकता, अभी चीज़ें फ्रेश हैं, कोई क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, नेक्स्ट उसमें आप ट्राई करके आइएगा, कुछ हुआ तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे जी। फर्दर क्वेश्चन है किसी का जी,